टक्कर मार के मेरे के ऊपर की ये गई है गाड़ी। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहन हाईवे का डिवाइडर क्रॉस कर दूसरी तरफ आ गए। स्कॉर्पियो दूसरी सड़क को भी क्रॉस कर सड़क के नीचे गड्ढे में जाकर रुकी। हादसा झुंझुनू के नवलगढ़ में नवलगढ़ झुंझुनू हाईवे पर ज्योति होटल के पास दोपहर 2:30 बजे हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई भी चोट नहीं आई। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार मुकंदगढ़ निवासी कुछ लोग एक स्कॉर्पियो में सवार होकर नवलगढ़ से मुकंदगढ़ की तरफ जा रहे थे। स्कॉर्पियो के आगे ही गढ़वालों के ढाणी निवासी सुरेश कुमार भी अपनी कार लेकर मुकंदगढ़ की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान ज्योति होटल से कुछ पहले तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो गाड़ी ने आगे जा रही सुरेश की कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और स्कॉर्पियो डिवाइडर क्रॉस कर सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी। स्कॉर्पियो सड़क से उतरते हुए नीचे गड्ढे में जाकर रुकी। इसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी से 3-4 लोग निकले, जिन्होंने बताया कि वे मुकंदगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने दूसरा वाहन मंगवाया और गाड़ी छोड़ मुकंदगढ़ चले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने सुरेश कुमार की गाड़ी को क्रेन की मदद से साइड में करवाया। अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। वही किसी को कोई भी गंभीर चोट नहीं लगी है। तरफ से आ रहा था और ये स्कॉर्पियो ये मेरे से पीछे आ रही थी, और पीछे आ रही थी तो मेरी गाड़ी तो कंट्रोल ही थी, वरना गाड़ी कंट्रोल नहीं होती तो गाड़ी यहाँ थोड़ी रहती, मेरी भी आगे जाती। तो इस गाड़ी ने क्या मेरे मतलब मेरे को इतना ही पता चला कि गाड़ी ये मेरे बराबर में आई है, और गाड़ी बराबर में आएगी शायद ये मेरे इस साइड में टक्कर मारी है, और फिर टक्कर मार के मेरे के ऊपर की ये गई है गाड़ी। ये स्थिति है, बिल्कुल क्रॉस करे मेरे को तो सर टाइम ही नहीं मिला ना, तो आप समझो मेरी गाड़ी तो मेरी डिवाइडर के पास ही चल रही थी भाई, मेरी साइड में गाड़ी चली, इस गाड़ी ने मेरे को ओवरटेक किया है, ओवरटेक करके फिर ये जो लेफ्ट साइड में मारी है, तो फिर मेरी गाड़ी तो इधर ही घूमेगी सर। उसमें सर मैं जब उतरा फिर वो करीबन 4-5 सवार थे सर, अब उनके अंदर लगी तो नहीं, एक के जरूर थोड़ा सा खून सा आ रहा था यहाँ पे, और आराम से खड़े हैं। फिर वो बता रहे थे कि मुकंदगढ़ के ही हैं, तो वो मुकंदगढ़ को हॉस्पिटल में गए हैं, कहाँ गए पता नहीं है सर। मेरा नाम सर सुरेश कुमार है, और सर आप एक ये देखो कि आप वो गाड़ी मतलब वहाँ से मेरे ऊपर से आई है, तो आप ये देखो कि कितनी स्पीड थी उस गाड़ी की, टायर के निशान भी आपको शायद नहीं दिखेंगे उधर, टायर के निशान नहीं है ना, तो ये देख लो सर कितनी स्पीड होगी उस गाड़ी की। मतलब सर ये मान लो कि मेरे ऊपर से आके फिर यहाँ पे कितनी मतलब फोर्स से वो गाड़ी गई है, अगर स्पीड उसकी गाड़ी की कम हो, जैसे मेरी गाड़ी की 70 के लगभग थी, मैं इतना ही चलता हूँ सर। और ये वो कहते हैं ना कि किसी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, अगर मेरी पे और स्पीड होती तो मेरी गाड़ी यहाँ थोड़ी होती सर। एक बात ये बताओ, मेरा सर यहाँ पे नज़दीक है कैरू के पास, ये गढ़वालों को डाणी, और मैं सिक्कर से आ रहा था सर।